खसरो, गुस्से में मुंह से निकल गया, माफ कर दीजिए। भाई साहब आप गुस्से में थे, ऐसे वक्त में मुंह से निकल जाती हैं कुछ बातें। आप, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, माफी, आप माफी क्यों मांग रहे हैं, शर्मिंदा कर। कौन? मैं देखती हूँ। आ रही हूँ। कौन है इस बस का? कौन आ गया? ओ, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? ठीक हो? फारूक है या चला गया? जी जी है, अंदर नाश्ता कर रहे हैं। कौन? हाँ हाँ फारूक, कैसे मियाँ, ठीक हो? भाई साहब हाँ, मैंने सोचा ऑफिस जाने से पहले तुमसे आज माफी मांगते हुए चला जाऊं। उस दिन बहुत बातें सुना दी तुम्हें मैंने, आयजा की वजह से, गुस्से में पता नहीं क्या और फॉल बन गया। ये भी नहीं सोचा कि तुम दोनों तो मेरी बेटियों का इतना भला चाहते हो, हमेशा अच्छे बुरे में तुम ही लोग शामिल होते। बस वो गुस्से में मुंह से निकल गया, माफ कर दीजिए। भाई साहब आप गुस्से में थे, ऐसे वक्त में मुंह से निकल जाती हैं कुछ बातें। आप, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, माफी, आप माफी क्यों मांग रहे हैं, शर्मिंदा कर। छोड़े ना इन बातों को भाई साहब, अंदर आए ना, मैं आपके लिए अच्छा सा लच्छे वाला पराठा बनाती हूँ और ऑमलेट। मैं जरूर खाता, मगर आज तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक खुशखबरी सुनाने आया था और फारूक मियां से माफी मांगने आया था। अच्छा, क्या खुशखबरी? हाँ भाई, वो फिजा माशाल्लाह अपने घर चली गई। ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई आपने भाई, लेकिन ये हुआ कब? वो कल रात दानिश आया था, वो ले गया अपने साथ। तेरा लाख लाख शुक्र है, बस फिजा अपने घर में खुश है। आमीन आमीन। चलो भैया मैं चलता हूँ, रास्ते में रश बढ़ जाएगा, देर हो रही है ऑफिस से। अरे भाई साहब मैं भी आपके साथ ही चलता हूँ, मुझे भी ऑफिस से देर हो रही है। चलो फिर हम यहीं खड़े खड़े तुम्हारे इंतजार करेंगे, हम नीचे चले। चलो फिर, चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़ भाई साहब।